नमस्ते, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र पाटिल करके पिंगळवाडे एक गांव है सटाना डिस्ट्रिक्ट नासिक में। उनका एक प्रश्न है कि 12 साल से मैं अनार की खेती कर रहा था, 5 साल पहले मैंने जो 12 साल के पौधे थे वो उखाड़ दिए, उसी जगह पे बढ़िया जो मशागत बोलते हैं अपन, उतना वो पूरा किया, थोड़ी लेवलिंग भी किया, वहीं पे मैंने नए पौधे लगाए थे, वो पौधे 5 साल में ही मर गए। क्या मैं दोबारा उसी लैंड में अनार की खेती कर सकता हूँ क्या? नरेंद्र जी और बाकी सब किसान जो कम क्षेत्र वाले होते हैं, और अनार में आज इतने ज्यादा रेट हो चुके हैं, सबको लगता है कि मैं अनार की खेती दोबारा करूं, क्योंकि एक फैमिली का एक होता है कि इतना सारा इनकम अगर इस क्रॉप से हमें आ रहा है तो ये हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन लैंड उतनी होती नहीं है और दोबारा लोग वहीं पे जाके अनार की खेती करते हैं। अपना जो नया प्लांटेशन का कोर्स है, 16 घंटे मैंने बात किया है, मुझे लगता है 1 घंटा मैंने जमीन के ऊपर बात किया है उस कोर्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कभी भी नहीं करना चाहिए नरेंद्र जी ऐसा। इसमें होता क्या है कि जब आप अनार की खेती बंद कर रहे हैं, अनार के पौधे को उखाड़ रहे हैं, एक ना एक जड़ तो आपका नहीं निकलेगा, बाकी तो मिट्टी में रहेगा, उसके जो निमेटोड है वो भी मिट्टी में रहेगा। जब तक वो पूरा का पूरा खत्म नहीं होता तब तक नया प्लांटेशन नहीं करना है। उसके लिए लग सकते हैं 2 साल, उसके लिए लग सकते हैं 3 साल, उसके लिए लग सकते हैं 4 साल, और बीच में आपको कल्टीवेशन अच्छा करना है। और जो भी दूसरे फसल है, प्याज ले सकते हो, मक्का ले सकते हो, शुगर केन ले सकते हो, इस टाइप से जिसको नेमाटोड नहीं होता है, विल्ट नहीं होता है, ऐसे क्रॉप गेहूं ले सकते हो, ये क्रॉप भी आपका बहुत जबरदस्त आएगा, क्योंकि अनार को जितना आपने खिलाया था वो मिट्टी में है अभी भी, तो वो ये फसल को मिलेगा। और दूसरा, मक्का जैसा क्रॉप करते हो, गेहूं जैसे क्रॉप करते हो, उसके ऊपर वैम बढ़ता है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, यह माइकोराइजा आपकी मिट्टी को बिल्कुल लूज करेगा, और वो जो रेसिड्यू थे केमिकल फर्टिलाइजर के और निमेटोड्स था या जो भी फंगस वहीं पे जो बचे हुए जो रूट्स है उसके साथ में थी, उसको पूरा का पूरा नष्ट किया जाएगा, तभी जाके आप नया प्लांटेशन कर सकते हो। अभी आप बोलेंगे कि मैंने ये केमिकल का ड्रेंचिंग किया, मैंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़े, आपकी मिट्टी बिल्कुल बढ़िया है, अभी उसके अंदर बिल्कुल विल्ट नहीं है, उसके बाद आप केमिकल का इस्तेमाल करिए। मैंने तो आज तक, जो 2007 से मैं अनार की खेती कर रहा हूं, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ये पौधा मेरा मर रहा है और मैंने इसको ये केमिकल लाके ड्रेंच किया और मेरा पौधा दुरुस्त हुआ, कभी नहीं होगा। इतना सारा इनोकुलम आपके मिट्टी में रहता है, वो तो इधर वाला भी पौधे को मारेगा, इधर वाले पौधे को मारेगा, इधर वाले पौधे को भी मारेगा, इधर वाले पौधे को भी मारेगा, और पूरा पैच एक आपका खाली कर देगा। तो कभी भी ये नहीं करना कि अनार निकाल दिया, तुरंत लैंड डेवलपमेंट करके तुरंत अनार लगवा दिया, ऐसा नहीं। और ये सिर्फ अनार के बारे में नहीं है, आपका मैंगो का पौधा होगा उसके बाद अनार लगाओगे विल्ट आएगा, आपका मौसम्बी, संतरा, बड़े बड़े जो भी पौधे हैं वो भी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, केनिया में फॉरेस्ट कट करके खेती की जाती है और वहीं पे अनार लगाया था। जैसे मैंने देखा प्लॉट और मैंने बोला कि यहाँ पे टर्माइट बहुत ज्यादा है, वो बोले नहीं हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज के लिए केमिकल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो पॉलीहाउस के फार्मर थे। और जब ये पूरा का पूरा मैंने बोला कि नहीं ये पौधे यहीं पे मरेंगे और इसके लिए कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल का सोल्यूशन उस टाइम अपने पास नहीं रहेगा, और वही हुआ, पौधे मरना चालू हुए। और एक बार विल्ट अगर आपके प्लांट मारेगा ना, तो फिर आपके प्लॉट में वो पूरा का पूरा फैल जाता है पानी के साथ में, जो कल्टीवेशन हम करते हैं, आपका रोटावेटर चलता है, ये सब कुछ। तो ये याद रखना, कभी भी नहीं करना है आपको, अगर दोबारा अनार का खेत खाली होने के बाद करना है, 3-4 साल रुकना पड़ेगा। और दूसरा अगर खेत आपके पास है तो वहीं पे करिए, वहीं पे आप अनार की खेती अच्छी करिए, तब तक ये लैंड भी आपकी तैयार हो जाएगी दोबारा अनार करने के लिए। लेकिन अनार लगाइए, अच्छा है, रेट भी अच्छा है, क्वालिटी निकालिए, रेट रहेगा। बहुत सारे लोग लगाएंगे, कुछ दिन रुकेंगे, बाद में उखाड़ देंगे, अपन
हमेशा अनार में रहेंगे। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, 400 से ज़्यादा वीडियो डाले हुए हैं, और कमेंट में लिखिए आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी मैं बना के आपको भेजूंगा। थैंक यू सो मच।